लंदन की कैटरीना कैफ बॉलीवुड में काफी लंबा सफर तय कर चुकी हैं। कैट के नाम कई हिट फिल्में दर्ज हैं। कैट ने बॉलीवुड में जो मुकाम हासिल किया है उसी के सम्मान में लंदन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने उन्हें लेक्चर देने के लिए इनवाइट किया है। फरवरी में ऑक्सफोर्ड में होने वाले एक सेमिनार में कैटरीना बॉलीवुड को रिप्रेजेंट करेंगी। कैट को सेमिनार में स्टेज एंड स्क्रीन फील्ड पर बोलने के लिए इनवाइट किया गया है। कैटरीना के अलावा सेमिनार ऑस्कर अवार्ड विनर हॉलीवुड एक्टर जेरेमी आयरन्स, रॉबिन राइट और अनालेने मैक्रोड भी हिस्सा लेंगे। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने कैटरीना कैफ के इंट्रोडक्शन में बताया है कि वो बॉलीवुड की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेसेस में से एक हैं, जिन्हें एक था टाइगर और धूम 3 के कारण पहचान मिली है। कई सारे ब्रांड्स के लिए मॉडलिंग करने वाली कैट अपनी माँ के चैरिटी ट्रस्ट रिलीफ प्रोजेक्ट इंडिया से भी जुड़ी हुई है, जो कि भारत की महिलाओं और बच्चों के उत्थान के लिए काम करती है। आपको बता दें कि कैट इन दिनों सलमान खान के साथ एक था टाइगर के सीक्वल टाइगर जिंदा है की शूटिंग में बिजी हैं। कैट की फिल्म जग्गा जासूस अप्रैल में रिलीज होगी, जिसमें वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड रणबीर कपूर के साथ लीड रोल में नजर आएंगी। हालांकि पिछले 2 साल कैट के करियर के लिए बहुत अच्छे नहीं रहे हैं, लेकिन कैट के लिए आने वाला वक्त काफी अच्छा माना जा रहा है, क्योंकि कैट पहले सलमान और फिर शाहरुख के साथ नजर आने वाली हैं।